हॉल ऑफ फेम अपने स्कॉलर्स को हॉल ऑफ फेम के अंदर एक्नॉलेज किया और मैं समझता हूं कि ये एक जो मैं अपना नया पाकिस्तान सोचता हूं ना, तो उसमें ये बहुत बड़ा कदम है उस डायरेक्शन की तरफ। अपने सारे राइटर्स और स्कॉलर्स को मैं अपने जो मुसलमानों का जब सुनहरी दौर शुरू हुआ, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि स्कॉलर्स की बहुत बड़ी जगह थी, आलम का बहुत बड़ा रुतबा था। आप अगर कोई भी अकाउंट पढ़े, अलबरूनी, इब्ने बतूता, तो वो जब इब्ने बतूता मोरक्को से जब निकला, तो वो जिधर भी जाता था, जब पता चलता था कि एक स्कॉलर आ गया, आलम आ गया, दरवाजे खुल जाते थे, उनको बड़ी खातिर होती थी, उनको घरों में रहते थे, बड़े बड़े उनके उनके वजीफे लग जाते थे। तो जब एक सिविलाइजेशन ऊपर जा रहा होता है, तो उसके रोल मॉडल्स पर स्कॉलर्स बन जाते हैं, क्योंकि स्कॉलर्स डायरेक्शन देते हैं एक कौम के, उसका किबला दुरुस्त करते हैं। और जब स्कॉलर्स की अहमियत खत्म हो जाती है या स्कॉलर्स गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो फिर ये जो सिविलाइजेशन, उनका अरूज और उनका जवाल होता है। अगर स्कॉलर्स सही रास्ते पे सिविलाइजेशन को रखें, तो उसका जवाल ना आए, लेकिन स्कॉलर्स भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हमने अपनी आंखों से मगरबी सिविलाइजेशन को, मेरी अब इतनी उम्र है, मैंने देखा अंदर से, करीब से, और हमने देखा कि वो जब वो ऊपर जा रहे थे तो उनकी क्या खासियत थी, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, और जब उनकी उनके जब स्कॉलर्स रास्ता अपना भूल गए, तो उससे क्या नुकसानात हुए माशरे में। देखिए, स्कॉलर्स गार्ड करते हैं एक कौम का नजरिया। इलामा इकबाल, किताबें तो मैंने लिखी हैं, लेकिन वो मैंने और तरह लिखी थी, मैंने, क्योंकि पाकिस्तान का पता ही नहीं था लोगों को, मैंने ट्रेवल बुक्स बाहर के लिए लिखी, तब तो, अब तो फिर भी लोगों को कोई समझ आए कि कितना खूबसूरत मुल्क है हमारा, लेकिन हमारे अपने लोगों को ही नहीं पता था कि पाकिस्तान की कितनी वैरायटी है, किस तरह 12 मौसम है, अपने लोगों को नहीं पता था। तो वो किताब तो खैर ट्रेवल बुक्स मैंने लिखी, बाकी क्रिकेट की थी। लेकिन जो इलामा इकबाल का इम्पैक्ट पड़ा मुसलमानों पर और पढ़ता गया, मैं पाकिस्तानियों की नहीं बात कर रहा, या जब तब हिंदुस्तान में मुसलमान, उनकी मैं बात कर रहा, सारी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर। एक मैं पढ़ रहा था कि एक अल्जीरियन फ्रीडम फाइटर था, उसका नाम था बुमदीन, वो कहता मैं एक इकबाल के शेर से मुसलमान हुआ, वो एथियस्ट था। तो ये है इंपैक्ट स्कॉलर्स का। और जो आज का पाकिस्तान है, मैं इसलिए भी आज यहाँ खास आया, और मैं शफकत आपका इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आप सबसे बात करने का। आज के पाकिस्तान में स्कॉलर्स की बहुत ज़रूरत है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों ज़रूरत है। जब लोगों को, मुझे अफसोस होता है कि हमारी अपनी इस्लाम की तारीख का भी नहीं सही तरह पता, जब आप लोगों से पूछे तो लोग कहते हैं जी इस्लाम कैसे, तो जंगें याद है, जंगे बदर, फिर जंगे खंदक, और लोगों को वो जंगें याद है, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि जंगों की वजह से तो इस्लाम एकदम दुनिया की तारीख में इतना बड़ा इनकलाब आया ही नहीं था जो आया है। यानी लोगों को ये नहीं पता कि ये जो इनकलाब था, इसकी कोई पैरेलल ही नहीं है दुनिया के अंदर। यानी आप, सिर्फ मैं आपको डेट्स देता हूं ना, 622 में मदीना पहुंचते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 625 में जंगे बदर 313 लोग लड़ते हैं, मदीना पहुंचते 600 लोग सिर्फ मुसलमान होते हैं, और 636 के अंदर रोमन एम्पायर कोलैप्स करता है, और 37 में ही पर्शियन एम्पायर कोलैप्स करता है उनके सामने। इसकी कोई
इसकी कोई पैरेलल नहीं है दुनिया की तारीख में। तो हमारे स्कॉलर्स ने कभी भी इसकी सही माने में अपने लोगों के अंदर ये एनालाइज किया ही नहीं कि क्या हुआ था। जो सारे 10 साल थे 622 से 632 तक, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, तो सिर्फ 1400 लोग मरे थे जंगों में। सारी जितनी जंगें हुई थी सिर्फ 1400 लोग मरे थे, जिसमें 600 मुसलमान शहीद हुए थे, और वो 150 मुरबा मील पे वो फैल चुके थे मुसलमान। तो असल में वो एक फिक्री इनकलाब था, वो तलवार से नहीं आया था, वो लोगों के कैरेक्टर्स बदल गए थे, इंसान बदल गए थे। कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती, अपने आप को नहीं बदलती। तो वही इंसान थे वो, जिस तरह मौलाना रूमी की एक वर्स है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो तुम क्यों चूंटियों की तरह जमीन पर रेंग रहे हो। तो पर दे दिए उन्होंने, कैरेक्टर बदल दिए, आजाद कर दिया इंसानों को, अशरफुल मखलूकात का असल पोटेंशियल निकलाया। पता चला कि इंसान में अल्लाह ने कितनी ताकत दी है कि जब फरिश्तों को कहा था उसके सामने झुको, तो जब शैतान ने कहा कि मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने कहा तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इसको क्या क्या ताकत दी है। इल्म, तालीम, इल्म, ताकत इल्म से आती है। तो वो जो इनकलाब आया था वो इसलिए जरूरी है हमें अपनी यंगर जनरेशन को बताना, क्योंकि इस वक्त हमारी यंगर जनरेशन के ऊपर जिस तरह का सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से जो प्रेशर्स अब हैं, जिस तरह का जलगार है, इंसानी तारीख में कभी बच्चों और यूथ के ऊपर ऐसा नहीं था। आज एक बच्चे के पास मोबाइल फोन के ऊपर वो कंटेंट है जिसमें ज्यादातर पॉजिटिव भी है, नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन वो दूसरा कंटेंट है, एक्स रेटेड कंटेंट, जो इंसानी तारीख में बच्चों ने कभी फेस नहीं किया। इसलिए इस मुल्क में हमारे स्कॉलर्स की, हमारे फिल्म टीवी प्रोड्यूसर्स की बहुत ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है अपनी यंगर जनरेशन के लिए को, अगर हमने उनको सही डायरेक्शन पर रखना है। देखिए, आप मीडिया को तो बंद नहीं कर सकते, सोशल मीडिया रियलिटी है, कुछ भी नहीं आप कर सकते। आप कई दफा मुझे आता है कि जी यूट्यूब के ऊपर या किसी के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर ये कंटेंट आया, मैं उनको पीटीए को टेलीफोन करता हूं, वो ब्लॉक कर देते हैं साइट, अगले दिन कोई और निकलाती है। ये बहुत एक दुनिया इससे अभी कोप कर रही है, जो सोशल मीडिया एक नई चीज आई है और ये हमें पता ही नहीं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो हम रोक तो वो सकते नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को उनकी तरबियत कर सकते हैं, उनको उनको हम हथियार दे सकते हैं कि ये जो जिस तरह का अब उनको कंटेंट अवेलेबल है, इससे कैसे उन्होंने डील करना है। तो मुझे पता है कि मां बाप उनके ऊपर किस तरह कई दफा परेशान होते हैं, जो जिस तरह बच्चे अपने मोबाइल फोन की तरफ से जो उनको चीजें अब एक्सेस हैं। तो इसलिए मेरा जो अपने मुल्क के ओपिनियन, क्योंकि स्कॉलर्स ओपिनियन मेकर्स होते हैं, और स्कॉलर्स, फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुल्क की डायरेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके नजरिए को प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छे बुरे की तमीज देते हैं। हम इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है, हमारी जो मोरालिटी, जो एथिक्स है, वो बड़ी बुरी तरह नीचे गिरे हैं। जो करप्शन है ना, मैंने सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, दो बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। असल में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब लेके आया, ये जो फिक्री इनकलाब आया था, तो वो बेस, उसका बेस पहले था मोरालिटी के ऊपर, अच्छाई को उठाओ और बुराई को कंडेम करो। ये है बेसिस एक सिविलाइजेशन का। जिस सिविलाइजेशन की मोरालिटी चली जाती है, मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कौम कैसे मरती है, मौलाना रूमी ने दो दरख्तों की मिसाल दी, एक बड़ा खुशबूदार और खूबसूरत दरख्त और दूसरा बदसूरत दरख्त। यानी उन्होंने कहा जब इन दो दरख्तों के अंदर
डिफ्रेंशिएट करना खत्म करती है, कौम मर जाती है। जब एक कौम अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। जब कौम बुराई को एक्सेप्ट कर जाती है, कौम मर जाती है। आप जब बुरे को बुरा नहीं कहते और उसको एक्सेप्ट कर जाते, तो इसका मतलब कि आपका जवाल शुरू हो गया। क्योंकि मैं जब देख रहा हूं कि मेरे साथ वाला घर में, वो 5 मरले घर में रहता था और देखते देखते उसके प्लाजा बन गया, पूरा पैलेस बन गया, जमीनों पे कब्जे कर करके अरबोपति बन गया। मैं सुबह से लेकर शाम तक क्यों मेहनत करूं जब मैं 50 साल में उतना पैसा नहीं कमा सकता जो उसने एक दिन में कमा लिया। तो वर्क एथिक्स खत्म हो जाते हैं माशरे में। मैंने अपना वक्त इंग्लैंड में पहले पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैं क्रिकेट खेलता था वहां कोई 18 साल। तो मैं आपको ये सिर्फ बता सकता हूं कि वहां का और हमारी जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है, जमीन आसमान का फर्क है। उनकी जो पार्लियामेंट है वो चलती कैसे है? वहां क्यों नहीं कोई पैसे चलते जिस तरह हमारे सेनेट के ऊपर लोग बिकते हैं? वहां क्यों नहीं होता? वहां कभी तस्वर ही नहीं है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग होगी जब पैसे चल के जनाब वो इधर से उधर चले जाते हैं मेंबर्स पैसे। ये क्यों नहीं वहां कॉन्सेप्ट? क्योंकि उनकी मॉरल स्टैंडर्ड हमारे से बहुत ऊपर है। और एक वक्त ऐसा था कि मुसलमान ताजर जब इंडोनेशिया और मलेशिया गए तो उनके कैरेक्टर की वजह से लोग मुसलमान हो गए। उनका कैरेक्टर इतना था। एक ओथेलो जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है, उसके अंदर वो एक मोर यानी मुसलमान उसमें बताता है, उस मुसलमान का कैरेक्टर सबसे ऊपर था। वो बड़ा हाई कैरेक्टर का आदमी था। जब क्रूसेड्स का पहला टाकरा हुआ मुसलमानों से 11वीं सदी में, तो वो आप अकाउंट्स पढ़ें कि वो मुसलमानों का और उनके उनको वो जंगली कहते थे क्योंकि इनकी एथिक्स और कैरेक्टर उनसे बहुत ऊपर थे। तो हमारा जब तक हम एक फिक्री इनकलाब यहां ना लेके आए, ये मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया है। आपको यकीन करें, अगर जितने मैंने 3 साल इक्तदार में रहा हूं, यानी मैं सोचता हूं कि अल्लाह ने क्या क्या नहीं दिया इस मुल्क को। ये बड़ा एक हर तरह ये अल्लाह ने यहां नेमतें बख्शी हुई। लेकिन जब तक एक मुल्क के अंदर मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं आते, एक कौम की मोरालिटी ऊपर नहीं जाती, जो कि मदीना की रियासत में पहले गई थी, पहले पैसा नहीं आया था, पहले उन्होंने उनकी इखलाकियात ऊपर लेके गए थे, एथिक्स, एक पहले एक जेनी, जिस तरह मैं कहता हूं एक फिक्री इनकलाब आया था, फिर तब्दीली आई थी। तो हमें जरूरत यह है अपने स्कॉलर से कि दो तरह के हमारे चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज यह है कि हम करप्शन को एक्सेप्ट कर बैठे। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर और बोल रहा है कि करप्शन के केसेस हैं, मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। आप इंग्लैंड में, मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड के अंदर कभी किसी एक पॉलिटिशियन के ऊपर सिर्फ इल्जाम लग जाए ना कि इसने पब्लिक का पैसा चोरी किया, कोई उसको एंकर टीवी पे बिठा दे, मिजाल है कि पार्लियामेंट में वो घुस सके, जब तक वो अपने आप को क्लियर नहीं करता, वहां ये तस्वर भी नहीं है कि अरबों रुपए की करप्शन और वो जाके असेंबली में 2-2 घंटे की तकरीरें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड्स मुल्क मुख्तलिफ है हमारे से। और इसलिए मैंने ये रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई। और इसका मकसद क्या है, मैं ये आपको बता दूं, इसका मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि हम, फिर से मैं आपको कह दूं कि मीडिया को तो आप बंद नहीं कर सकते, सोशल मीडिया नहीं बंद कर सकते, फिल्में आ रही हैं, बच्चों के पास एक्सेस है मोबाइल फोन पे, वो नहीं आप बंद कर सकते, लेकिन आप कम अज कम बच्चों को एक रोल मॉडल दे सकते हैं। और रोल मॉडल बच्चों का वो रोल मॉडल है जो दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, 100 ग्रेटेस्ट मैन के अंदर जो नंबर 1
वो जो जो एक हार्ट है जिसने जो किताब लिखी हुई है, नंबर वन उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए बनाया कि कोई है ही नहीं जिसने ज्यादा अचीव किया उनसे। तो हम अपने बच्चों को जब वो देखते हैं कि जी फलाने ने इतना पैसा बना दिया और उसने बिल गेट्स ने इतना अमीर आदमी बन गया, तो उनकी किताबें पढ़ते हैं क्योंकि वो रोल मॉडल बने हुए हैं। हमें साथ साथ वो भी रोल मॉडल्स हों, लेकिन हमें साथ साथ अपने बच्चों को बताना तो चाहिए कि दुनिया का सबसे अजीम लीडर उसकी क्या क्वालिटीज थी कि वो इतना, उन्होंने एक पूरी दो सुपर पावर्स के सामने एक कौम जिसकी हैसियत ही कोई नहीं थी उनको उठा के दुनिया की इमामत करवा दी। कोई तो क्वालिटीज होंगी। तो हमारा काम, हमारा जो माशरे का इस वक्त, अगर हमने इसके एथिक्स उठाने हैं तो हमें उनकी सीरत के ऊपर सोच के, प्रोग्राम्स करके, टीवी के ऊपर एक अल्टरनेट मैसेज देनी है अपने बच्चों को। जापान के अंदर पहले 7 क्लासेस के अंदर वो बच्चों को शिंटोइज्म, जो उनकी उनका दीन है, उसके एथिक्स पहले सिखाते हैं, मैथ्स और उसके अलावा एथिक्स सिखाते हैं बच्चों को, अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं। कानून अलहदा है लेकिन जो एथिक्स है, और आप जापान में चले जाओ आप हैरान हो जाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि, मुझे तो वहां जाके पता चला कि ये वो क्यों वो इतने किसी, हमारा एक खिलाड़ी था उसका बटुआ गिर गया टैक्सी में, वो टैक्सी ड्राइवर ने आके होटल की रिसेप्शन में वो बटुआ वापस दे दिया। और वहां जो हमारे पाकिस्तानी रहते थे, जितने वो पाकिस्तानी मुझे मिले, उन्होंने जापानी औरतों से शादी की हुई थी, वो सारों ने मुझे एक चीज की कि जब वो जापानी औरत मुसलमान हुई वो उनसे बेहतर मुसलमान हो गई। वो उनको बताती थी कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि उनकी एथिक्स, उनकी जो जो मोरालिटी के लेवल्स हैं वो बहुत ऊपर है। तो मैं आपको सिर्फ और ज्यादा बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह ऑनर करेगी और लेवल रेज करेगी, जो कि हमारे मुस्लिम इस्लामी माशरे में हमेशा उस्ताद का बड़ा लेवल था, स्कॉलर्स का, आलिम का बड़ा लेवल था। हम इंशाल्लाह आपको पूरी तरह बैक करेंगे, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी लेनी है कि इस माशरे के लिए एक, हमें एक फिक्री इनकलाब चाहिए, एथिक्स चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज चाहिए। और दूसरी तरफ ये जो सबसे खौफनाक चीज हो रही है, जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो जब मैंने IG को बुलाए सारे सूबों के, तो चेक किया कि कौन सी क्राइम्स बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सेक्स क्राइम बढ़ रही है, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक चीज है। और ये मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मोबाइल फोन का जो चैलेंज आया है, इसकी अच्छाई है एक तरफ, जो दूसरी तरफ आ रहा है उससे एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है हमारे माशरे में। ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों के साथ ज्यादतियां, हम 3 साल पहले एक जैनब केस हुआ था तो सारा माशरा हमारा खड़ा हो गया। अब आप अखबार में पढ़ें तो 3-4 दफा बच्चों, कोई बच्चों को से ज्यादतियां हो रही हैं, औरत को रेप किया जा रहा है और कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा हो गया। मैं 3 साल पहले से लगा हुआ था कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे माशरे के लिए। तो हमारे लिए दोनों तरफ जो 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 मीडिया है, जो फिल्म्स हैं, जो सीरियल्स हैं, आप देखें, जब हम, अगर हम अपना फिल्म्स देखें तो ज्यादातर हॉलीवुड से बॉलीवुड जाता है और बॉलीवुड से पाकिस्तान आ जाता है, मटेरियल थर्ड हैंड मटेरियल आता है। वो जो कल्चर आ रहा है हम रियलाइज ही नहीं करते कि उसके क्या क्या रिपरकशंस है माशरे में। कभी किसी ने एनालाइज नहीं किया कि हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं हिंदुस्तान तो क्रिकेट की वजह से बहुत जाता था, तो जो हिंदुस्तान की फिल्में 40 साल में बदली हैं, पहले क्या होती थी अब क्या है, उसका इंपैक्ट देख लें कि हिंदुस्तान के फैमिली सिस्टम में क्या है, डिवोर्स रेट कितनी बड़ी है, दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है, और वही हम फिर कल्चर लेते हैं तो उसके यहां इफेक्ट्स आएंगे। और ये स्कॉलर्स का काम है, गाइड करें माशरे को, ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल बताएं, बताएं कि ये जो स्कॉलर्स का क्या काम होता है, एनालाइज करें, माशरे का डायरेक्शन ठीक करें। उनकी ताकत क्या है मगरब की, मैं जानता हूं उनकी ताकत क्या है। उनकी ताकत वो है जो मदीना के रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन के ऊपर जोर दिया, तालीम पे, जो उन्होंने रूल ऑफ लॉ सेट किया,
और जिन्होंने ने एक इंसानियत का निजाम वेलफेयर स्टेट बनाई दुनिया की तारीख में पहली दो, वो आज वहां आपको मिलती है। रूल ऑफ लॉ भी वहां मिलता है। स्कैंडिनेविया से बेहतर वेलफेयर सिस्टम ही दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलता। यहूदी आज दुनिया को डोमिनेट करते हैं क्योंकि वो तालीम के ऊपर, जो उनका हुक्म था कि जब से पैदा हो और जब तक कब्र में जाओ इल्म सीखो। वो यहूदियों को देख ले जितनी वो मेहनत करते हैं, और जो हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स नोबेल प्राइज विनर वो ऊपर है, जो मेहनत करेगा ऊपर जाएगा, क्योंकि वो तो रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए थे वो। तो जो इंसान उनकी उनकी हुक्म पे और सुन्नत पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो इंसान, क्योंकि रहमतुल आलमीन थे। लेकिन जो वहां तबाही मची है, उनके फैमिली सिस्टम जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो उनके लाइफस्टाइल की वजह से हमारे सामने हो रहा है, हमारे सामने हुआ है। मैं बार बार मिसाल देता हूं, 1970 में 1/14 में एक डिवोर्स होती थी इंग्लैंड में, आज 70-80% डिवोर्स है, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल है वो उसका इंपैक्ट पड़ना है। तो हमारे लिए जरूरी है स्कॉलर्स के लिए कि अपने माशरे को गाइड करें आप। तो मैं आखिर में फिर से आपको कहता हूं कि ये गवर्नमेंट पूरा बैक करेगी अपने स्कॉलर्स और राइटर्स को, और आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप हमारे माशरे को गाइड करेंगे और यूथ को खास तौर पे। शुक्रिया।